जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप के अंतर्गत एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में। देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं, वही आज की क्लास में आपको सीखना। जैसे कि अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में बात करें, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का मेन वर्क ये होता है कि जैसे कि आपके एमएस वर्ड के ही पेज पे एक छोटा सा विंडो आपका एक्सेल का ओपन हो जाता है। और एक्सेल में आप आसानी तरीके से जिस तरीके से आप डेटा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से एक छोटा सा डेटा आप एमएस वर्ड के पेज पे आकर के और एक्सेल स्प्रेडशीट के अंतर्गत आप तैयार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे फार्मूले को हम लोग सॉल्व करना भी सीखेंगे कि कोई फार्मूला हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आप यूं समझिए कि एक्सेल का पेज आपके सामने आएगा खुल करके, एक्सेल का सीट आएगा खुल करके, और उसी सेल पे, उसी एक्सेल के सीट पे आप आसानी तरीके से कोई भी डेटा आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करते हैं, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब देखिए, इसके पहले तो जो है एमएस वर्ड के हम पेज पे थे ना, अब हम आ गए कौन से पेज पे, एक्सेल के पेज पे आ गए और एक्सेल का पेज हमारे सामने खुला हुआ है। अब यहाँ से जैसे आप साइड में यहाँ पर कहीं क्लिक करेंगे, तो एमएस वर्ड के पेज पे आप चले आएंगे, और वही इस सेल में क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल के पेज पे चले आएंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है? तो देखिए, एक्सेल में फार्मूला टैब दिख रहा है ना, और डाटा टैब दिख रहा है। ये दोनों टैब आपको नहीं मिलेगा किसमें, एमएस वर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये आपका एक्सेल का पेज खुला हुआ है, और इसी एक्सेल के सीट पे हम एक डेटाबेस बनाना सीखेंगे कि स्टूडेंट का हम डेटाबेस एक्सेल में हम कैसे तैयार करते हैं। तो एक चीज समझिएगा, जब आपके सामने ऐसे एक्सेल का सीट खुल करके आएगा, तो यहाँ पे कॉर्नर पे अगर आप आते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा छोटा छोटा दिया हुआ पॉइंट, आप इसी पॉइंट पे लेके जाएंगे कर्सर को, तो ऐसे एरो बनेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसको अगर आप चाह जैसे आप डीपली बनाना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो पहले क्या करिएगा कि एमएस वर्ड के पेज पे आकर के और पेज लेआउट पे आने के बाद पेज की ओरिएंटेशन आप यहां से कर दीजिएगा लैंडस्केप, तो पेज लैंडस्केप में हो जाएगा। तो टेबल को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखिए देखिए, इसको जो है आप इसको घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपनी, जहां से भी आपको टेबल इंसर्ट करना। ये एक्सेल का सीट आपके पास खुला हुआ है। अब इसमें आपको सीखना है कि स्टूडेंट डेटाबेस हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं। नीचे खींचना है तो नीचे से खींच दीजिए, लेफ्ट खींचना है तो राइट खींचना है तो यहाँ से राइट भी है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, एरो दिया हुआ है। एरो तब बनेगा जब यहाँ पे लेकर के आप जाएंगे इसको, देखिए तभी एरो बनेगा। अभी नहीं, खींचते खींचते पूरा बड़ा कर दीजिएगा, तब टेबल आपका मैनेज नहीं हो पाएगा, सीट आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए सीट जो भी बनाइएगा एमएस वर्ड के पेज के अंदर ही बनाइए, इसलिए मैंने इसको लैंडस्केप में कर दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो है इंसर्ट पे आना है, और इंसर्ट पे आने के बाद देखिए, पहले तो इतना डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको मर्ज के बारे में बताया है टेबल पढ़ाते समय, इसमें भी एक्सेल में भी आपका मर्ज दिया है। होम टैब पे आइए और यहीं पे मर्ज का ऑप्शन आपको मिलता है, मर्ज एंड सेंटर, इसी पे जस्ट ही क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल, छोटा छोटा सेल क्या हो जाएगा, मर्ज होकर के एक बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप हेडिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे कर्सर यहाँ पे मूव करने लगेगा, और यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई हेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे कोई भी डेटा बनाने से पहले मैंने आपको बताया भी था कि उसमें हम एक प्रकार का हेडिंग देते हैं, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस हमको तैयार करना है, तो स्टूडेंट डेटाबेस हमारा हेडिंग होगा ना, तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस लिखने के बाद साइड में कहीं क्लिक करिए, पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आकर के इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, और प्लस कलर भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर से भी कर सकते हैं। फॉन्ट की कलर के लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करे, तो यहाँ पे एक स्टार टाइप का सिंबल बनेगा, देखिए बन रहा है, आप इसके माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। पर इतना आप ऊपर जमा कर क्या ऐसा एमएस वर्ड के टेबल में ऑप्शन दिया था,
बोलिए। एमएस वर्ड की टेबल में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कर पाएंगे। एक और तरीका है, देखिए यहां से अगर आपका अच्छा नहीं लगता है तो एक इसमें और भी ऑप्शन दिया इतना परसेंट प्याज लगा हुआ है। देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप चाहते हैं कि हेडिंग को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह करें, तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आ जाइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड आर्ट, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करिएगा। यहाँ से बहुत सारा वर्ड आर्ट आपको दिख जाएगा, कोई सा भी एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिए और इसमें आप अपनी हेडिंग से आप यहाँ पे हेडिंग टाइप करिएगा स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप शेप फिल पे आइएगा, यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर भी दे सकते हैं। अच्छा फॉन्ट की कलर चेंज करना है तो शेप यहाँ पे आ जाइएगा टेक्स्ट कलर पे, और यहाँ से फॉन्ट की कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये भी हेडिंग उसी के जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी स्टार का सिंबल बनेगा, इसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। कोई दिक्कत, तो आप इसको टॉप में रखिए और इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। अब यहां से हम एक डेटाबेस बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस तो मैंने आपको टेबल में भी बनवाया था, तो उसमें जो है अगर हमको पेड ड्यू निकालना होता था तो क्या हम फार्मूला लगाते थे, डिस्काउंट निकालने के लिए फार्मूला लगाते थे, वैसे नॉर्मल हम हाथ से लिख देते थे, लेकिन एक्सेल में आपको क्या करिएगा, उसी से उसी डेटा को बनाइएगा, लेकिन इसमें फार्मूले के साथ आपको प्रयोग करके देखना है। तो कैसे बनाना है डेटा, तो जैसे देखिए दिया। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, टॉप वाले एरिया को क्या बोला जाता है, रो की कॉलम, टॉप वाले एरिया को क्या बोला जाता है, हाँ हाँ क्या बोला जाता है, टॉप वाले एरिया को कॉलम बोला जाता है और लेफ्ट वाले एरिया को रो बोला जाता है। कॉलम हमेशा अल्फाबेटिकल में होता है, ये एक्सेल में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, और रो हमेशा नंबर में होता है, रो हमेशा नंबर में होता है और कॉलम हमेशा किसमें होता है, अल्फाबेटिकल में होता है, यानी कि ए से लेकर के जो ABCD ऐसे लिखा हुआ है इसको हम कॉलम बोलेंगे और जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसको हम रो बोलेंगे, मतलब होरिजेंटल जो दिया है, ये जो होरिजेंटल दूरी दिया है इसको हम कॉलम बोलेंगे और जो ये वर्टिकल दूरी दिया है इसको हम रो बोलेंगे। कोई दिक्कत, अब चलिए यहाँ पे आपको एक डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और इसके बाद से मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, इसके बाद से यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दिया फी, सॉरी कोर्स, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कोर्स, इसके बाद से यहाँ पे फी, इसके बाद से यहाँ पे पैड, इसके बाद से यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कुछ हेडिंग आपका छुपा भी है, मतलब स्टूडेंट नेम मैंने टाइप किया था लेकिन स्टूडेंट ही केवल दिखा रहा है, नेम आपका छुपा हुआ है, ऐसे ही डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, टोटल अमाउंट में भी देखिए पूरी तरीके से स्पेस नहीं मिला हुआ है। तो अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है एक्सेल में, तो बहुत ही सिंपल तरीका इसको सही करने का, देखिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो प्लस बनेगा, इसी को माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाएंगे तो ये मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि डेटा आपका इतना ही है तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं, लेकिन आपने हेडिंग बहुत सारा दिया है तो ऐसे सिंगल सिंगल करेंगे तो टाइम लगेगा ना, आप चाहते हैं कि हमारा हेडिंग एक बार में एडजस्टमेंट हो जाए, तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहां से लेकर के डाउन एरो बन रहा है, डाउन एरो बना है ना, यहां से लेकर के ए से लेकर के और पूरा यहां तक यच तक आप सिलेक्शन कर लीजिएगा कॉलम, और जहां पे लास्ट कॉलम आएगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे 2 बार दबा दीजिए। नहीं समझ में आया, देखिए सबसे पहले करना क्या है, रुकिए इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जैसे देखिए ये हेडिंग हमारा छुपा हुआ है ना, यहां से लेकर के डाउन एरो बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा जहां तक आपने हेडिंग लिखा है, और जहां पे लास्ट होगा यहीं पे आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए, ठीक है।
कोई दिक्कत देगा। समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब इसमें आपको एक डेटा बनाना है स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से। अब चलिए, यहाँ से आपको हेडिंग के साथ साथ पूरे आप डेटा को सिलेक्शन करिए, और सबसे बेहतर रहेगा कि हम इन सब में क्या कर दें, हेडिंग दे दें, सॉरी मतलब इसमें हम टेबल इंसर्ट कर लें, यहाँ पे बॉर्डर दे दें। देखिए अब बॉर्डर आ गया, बॉर्डर से ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट लगेगा। सिलेक्शन करके Ctrl+B भी कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आपको डेटा टाइप करना है। अब देखिए, इसको आप चाहते हैं सेंटर में लेके आना तो राइट क्लिक करके कट करिए, और यहाँ पे आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन करिए, दो बार लेफ्ट बटन दबा दीजिए, इस हेडिंग को थोड़ा सा और सेंटर में लेके आइए। अब देखिए, ये तो हमारा एक्सेल का शीट खुला है ना, अभी तो हमारे पास एक्सेल का पूरा डेटा ओपन है। अगर आप कहीं भी साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए गायब होगा ये डेटा, आपका कन्वर्ट होगा किस पेज पे, एमएस वर्ड के पेज पे, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल के सीट पे आप आ जाएंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? आप इसको बनाने के बाद अगर कहीं पर भी अगर आप इसके बाहर क्लिक करते हैं तो यही डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है एमएस वर्ड के पेज पे, डेटा कोई भी नहीं मिटेगा, पर यही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एमएस वर्ड के पेज पे। अब चलिए, इस पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे कि आपको सीरियल नंबर सबसे पहला हेडिंग आपका दिया हुआ, सीरियल नंबर आपको मेंशन करना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, एंटर करके यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब जैसे एमएस वर्ड में ऐसा ऑप्शन था क्या कि ऐसे सिलेक्शन करके खींचते थे तो पूरा नंबर आ जाता था, पर ये ऑप्शन आपको केवल एक्सेल में ही मिलता है। देखिए बस करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक दो मतलब यहाँ पे जो एक दो आपने टाइप किया, इसको दोनों को एक साथ आप सिलेक्शन करिएगा, और यहीं पे पतला प्लस बनेगा, इसी पतले प्लस पे क्लिक करके, और जैसे ही खींचते चले जाएंगे जहां तक आप खींचेंगे वहां तक इसका नंबर आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक्सेल है, चूंकि आपको बार बार ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं आती है, आप डायरेक्टली बस एक दो नंबर आप टाइप करेंगे, उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये एक्सेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्सेल का एक छोटा सा विंडो दिया है तो जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है? अब चूंकि बहुत ज्यादा हमको नहीं बनाना है तो यहां से लेकर के यहां तक आप डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, यहां तक आ जाएगा टोटल आपका 7। अब यही फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्शन करिए और फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, और यहां से लाकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब चलिए, जैसे कि हमको एक डेटाबेस बनाना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राहुल, और यहाँ पे लिख देते हैं निकेश, यहाँ पे कमल, यहाँ पे किरण, यहाँ पे रोहित, और फिर यहाँ पे रियाज, और फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मुकेश। देखिए 7 स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आए, इनका कोर्स क्या है, तो इनका कोर्स मैंने भर दिया DFA, इनका कोर्स मैंने भर दिया DCA, इनका कोर्स मैंने भर दिया ADCA, और प्लस इनका कोर्स मैंने भर दिया CCC, इनका कोर्स मैंने भर दिया ऑफिस मैनेजमेंट, इनका कोर्स हो गया टैली, इनका कोर्स हो गया BG। देखिए इतना सारा कोर्स मैंने मेंशन कर दिया है ना। अब देखिए इसमें आपको फी की बात हो रही है, तो जैसे DFA का फी इसमें मैंने मेंशन कर दिया, DFA का फी 9,000 है, मैंने 9,000 फी डाल दिया। फिर यहाँ पे DCA, इसका फी है 13,500, इसको भी मैंने मेंशन कर दिया। ADCA, ADCA का फी 15,000 है, 15,000 मैंने मेंशन कर दिया। CCC का 5,000 है, 5,000 मेंशन कर दिया। ऑफिस मैनेज का 4,500 है, और टैली का मान के चलिए कि 7,500 मैंने जोड़ लिया, और BG का मैंने 6,000 जोड़ लिया। ये कोर्स का लिस्ट हमारे सामने है और कोर्स का फी, लेकिन इसमें आपको निकालना है क्या डिस्काउंट, तो एक चीज समझिएगा, डिस्काउंट दो अमाउंट पे प्रोवाइड किया जाता है, एक आपका अमाउंट आता है फी और दूसरा अमाउंट आता है ड्यू। जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन कराने आते हैं तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा तो एक बार में पूरा का पूरा पैसा हम लोग पेमेंट करके चलाया जाएगा, बाद में बस केवल पढ़ना ही रहेगा, उस पैसे में कुछ डिस्काउंट अगर हो जाता है तो। ऐसे रिक्वायरमेंट आती है ना कि सर हम पैसा एक बार में जमा करना चाहते हैं, और DFA का जो फी है 9,000 रुपया, अगर आप कुछ डिस्काउंट करेंगे तो हम फुल पैड कर देंगे कई बार में, तो
हम क्या करते हैं, फी पे भी अगर बोल देते हैं कि अगर कोई बच्चा एक बार जमा करना चाहता है, और ऐसा कंडीशन है भी, अगर आप एक बार में फीस जमा करना चाहते हैं तो आपके फी में 10% डिस्काउंट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो एक तो आपका डिस्काउंट निकलता है फी पे, कितना रुपया आपका फी है और कितना रुपया आपका डिस्काउंट कर दिया गया, शेष पैसा जो बचेगा वही आप पेमेंट करते हैं, जमा करते हैं। और एक जो डिस्काउंट निकलता है वो है आपका किस पे, ड्यू पे। बहुत सारे ऐसे भी तो बच्चे होते हैं कि चलो 1500 दे करके एडमिशन करा लेते हैं, और शेष जो बचेगा उस पे हम 10% या 15% लेस करवा के, डिस्काउंट करवा के वो पैसा हम पेमेंट कर देंगे। तो वो जो डिस्काउंट निकालेंगे पैड पे, जब आप डिस्काउंट निकालेंगे पैड करने के बाद, तब जो आपका शेष ड्यू अमाउंट बचेगा उस पे आपका डिस्काउंट मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जैसे दो तरीकों से हमको डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है। अगर आप टोटल फी पे निकालते हैं तो टोटल फी पे भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं, अगर आप ड्यू पे निकालना चाहते हैं तो ड्यू पे भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। लेकिन ड्यू पे डिस्काउंट कब निकालेंगे, जब कुछ पैसा आप पेड करेंगे। ऐसा होता है ना कि सर ऐसा भी रिक्वायरमेंट है क्या कि अगर जो है एक इंस्टॉलमेंट हम 1500 रुपया जमा कर देते हैं या 1000 रुपया हम जमा कर देते हैं, तो शेष जो बैलेंस हमारे पास बचा रहेगा उसमें से 10% माइनस कर देंगे, छूट कर देंगे, तो बाकी पैसा हम ला करके जमा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे ये ऑफर पिछले कुछ महीने पहले ये चला हुआ था, नवंबर में चला हुआ था ये ऑफर, कि जिसका भी फी बाकी है उसके फी में 30% डिस्काउंट दिया जाता था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने फुल पैड भी करवाया था। तो इस तरीके से जब आपका डिस्काउंट निकलेगा तो वो आपका ड्यू अमाउंट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पैसा पेड भी तो कर रखा है। तो चलिए, स्टूडेंट का फी है 9000 रुपये, और इनका नाम है राहुल। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इन्होंने बोला कि सर हम एडमिशन करवाने आए हैं, लेकिन मात्र हमारे पास 500 ही रुपया जमा है, 500 ही रुपया है। तो हम कहेंगे ठीक है जमा कर दीजिए, और शेष अगले इंस्टॉलमेंट में आप ला करके क्या करिएगा, जमा कर दीजिए। फिर ऐसे ही मान के चलिए ये निकेश हैं, इन्होंने कहा कि सर हमारे पास मात्र 1000 रुपया है, तो ये मात्र 1000 रुपया जमा कर दिए। इसी तरीके से कमल है, इन्होंने बताया कि सर हमारे पास 1500 रुपया है, तो इन्होंने 1500 जमा कर दिया। इसी तरीके से जैसे किरण है, इनके पास मात्र 1200 रुपया है। चूंकि एडमिशन कराने जब हम आते हैं तो उतना हमारे पास पैसा उतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उस पैसे को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली जमा कर देते हैं। ऐसे ही जैसे रोहित हैं, तो रोहित का कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट, इनका कोर्स का दाम बताया गया 4500 रुपया, ये बताया कि सर हमारे पास 2000 रुपया है, जमा कर लीजिए और शेष हम अगले इंस्टॉलमेंट में आपको जमा कर देंगे। और रियाज है, इनका फी है 7000 रुपया, 7500 रुपया, और इन्होंने जमा कर दिया 1500 रुपया, और इन्होंने जमा कर दिया मात्र 1000 रुपया। देखिए सबका पेड वाला अमाउंट अलग अलग है ना। अब चलिए, अब आपको ये निकालना है कि अगर स्टूडेंट का फी 9000 रुपया है और स्टूडेंट ने 500 रुपया जमा कर दिया, तो शेष बैलेंस कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8500। लेकिन मैंने टेबल ग्रुप में कोई फार्मूले के माध्यम से मैंने नहीं बताया था, बस वैसे डायरेक्टली हम लिख देते थे ना, लेकिन इसमें आपको फार्मूले का प्रयोग करना है। क्या करना है, फार्मूले का प्रयोग करना है। मतलब स्टूडेंट का फी है 9000 रुपया और स्टूडेंट ने जमा कर दिया 500 रुपये, मतलब फी में से पेड को क्या करेंगे, माइनस या प्लस, माइनस करेंगे। तो इस माइनस को करने के लिए देखिए एक्सेल में जो है, एक्सेल में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है, इक्वल टू लगाना होता है। या तो आप मल्टीप्लाई करिए, या कोई फार्मूला आप यूज करिए, या आप एडिशन मतलब जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कुछ भी करिए, इसके पहले आपको इक्वल टू लगाना ही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद अब स्टूडेंट का टोटल फी कितना है, 9000। तो इसी 9000 अमाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर 9000 क्यों नहीं लिखे आ रहा है, वो तो ई और एट लिखे आया है। ई और एट का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा, ई और एट का क्या मतलब हुआ? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो अल्फाबेटिकल है वो आपका कॉलम है और जो नंबर है वो आपका रो है। तो एक सेल को बनने में, मैंने टेबल क्रिएट करते समय बताया भी था, एक सेल को बनने में एक रो और एक कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। वही कॉलम का नाम ई लिखा है और एट आपका क्या है, रो। आप देखिए यहाँ से, आप समझिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले पेज को थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, क्योंकि कॉलम हमारा नहीं दिख रहा है, पेज को हम ऊपर लेके जाते हैं।
हाँ बस इतना ही समझना है आपको। देखिए तो E8 का मतलब ये जो आपका E दिख रहा है इसको हम कॉलम बोल सकते हैं, और रो में क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 9000 लिख के आएगा। 9000 तब लिख के आएगा जब आप हाथ से लिखेंगे, क्योंकि हम एक सेल को सिलेक्शन कर रहे हैं और उस सेल का नाम ही दिया हुआ है E8, जहां हम बता सकते हैं कि सर E बराबर कॉलम है और 8 बराबर रो। कोई दिक्कत किसी को? आप यहीं पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। आप किसको सिलेक्शन करेंगे? 500 नहीं बोलेंगे, पेड बोलेंगे उसको ना, पेड अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे। तो इसका क्या लिख के आएगा? इसका क्या लिख के आएगा? जैसे E8 लिखा है तो इसका क्या लिख के या फिर आएगा? या फेट लिख के आएगा? कितने लोग एग्री हैं? हाथ ऊपर जो लोग एग्री हो, पूरा हाथ ऊपर करिए जो लोग एग्री हो। और बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है ना, नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए तो आप एग्री नहीं है। आप खुद, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका E बराबर आपका जो है कॉलम है तो ये कॉलम ले लिया, और 8 बराबर रो है तो E8 ले लिया। सेम अगर मुझसे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यफ आपका कॉलम हो गया और 8 आपका रो, यानी यफ एक एफेट लिख करके आएगा। तो उसमें समझने की क्या दिक्कत? मैंने अभी आपको फॉर एग्जाम्पल में, मैंने आपके सामने भी दिख रहा, फिर भी आप देख के नहीं बता पा रहे हैं। तो एक सेल का नाम देता है ना कि उसमें अमाउंट देता है। एक सेल का नाम आप बोल सकते हैं कि जो सर राहुल का जो फ्री वाला सेल है उस सेल का नाम क्या लिखा है? E8 लिखा है। क्या लिखा है? E8 लिखा है। जो है क्या? राहुल का फ्री वाला सेल। और आप बता सकते हैं जो राहुल का पेड वाला, सॉरी, जो राहुल का पेड वाला है उसको हम बोल सकते हैं F8, और F8 है क्या? तो पेड का सेल है ये, हमारा पेड का सेल हो गया। मतलब कितने रुपए इन्होंने जमा किया, और ये हमारा फी का सेल हो गया, कितने रुपए टोटल फी है। और एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, यानी कि फी में से पेड को माइनस कर रहे हैं, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाने के बाद अब इसके बाद हम पेड को सिलेक्शन करेंगे। देखिए फेड लिखे आ गया। बस यहां से आप समझिए, अगर ऊपर दिया है कॉलम और ये वाला ऑप्शन दिया, इसको हम रो बोलेंगे। रो हमेशा नंबर में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। रो हमेशा नंबर में होता है और कॉलम हमेशा अल्फाबेटिकल में होता है। आप एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अरे 9000 फीस है, इसमें से 500 माइनस होगा तो 8500 बचेगा ना। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? ऐसा नहीं है कि D8 में से E8 माइनस करेंगे। E8 में से F8 हमको माइनस नहीं करना है, वो लिखना है। वो तरीका आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या डेटा सिलेक्शन किया है। आप देखिए, एक प्लस पॉइंट की बात और आ जाती है। अगर जो है, मान के चलिए आपके पास अगर 7 ही डेटा है तो आप बारी बारी से सारे स्टूडेंट का ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन यही डेटा अगर आपके पास 700 हो जाए तब क्या करेंगे? टाइम लगेगा ज्ञात करने में ना। तो देखिए, एक्सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन देता है। बस यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, इसी को 2 बार क्लिक करेंगे, पूरा अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। पर हैच का सिंबल एक्सेल में तब आता है जब स्पेस नहीं मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये CCC में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक्सेल की किसी सेल में अगर हैच का सिंबल आता है तो उसका मतलब क्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके सेलों में स्पेस नहीं मिल रहा। देखिए, जैसे ही आप स्पेस यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, आप कैलकुलेशन समझिए सही है कि गलत सही है। सही है कि गलत है? सही है ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? सर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? कंफ्यूजन होगा तो दूर कर लीजिएगा, नहीं तो अभी एक्सेल आपका आने वाला है, मैं पढ़ाऊंगा। एक बार और बता दें, देखिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है ना, ड्यू अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे फी को सिलेक्शन करेंगे और माइनस करके और पेड को सिलेक्शन कर लेंगे। मतलब हमको फी में से पेड को क्या कर लेना है? माइनस करना है, और एंटर करेंगे तो शेष अमाउंट आ जाएगा। अब ठीक इसी पे क्लिक करिएगा, पतला प्लस बनेगा। यहां से माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिएगा। आप खुद देखिए, 13500 है जिसमें से 1000 जमा हो गया तो 12500, 15000 है 1500 जमा हो गया तो 13500 बचा। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन सही है कि गलत है? तो आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 700 ही नहीं 7000 भी स्टूडेंटों की संख्या है तो फिर भी आपको मात्र एक ही स्टूडेंट का ज्ञात करना है। सोचिए कितना हेल्प आपके लिए एक्सेल दे रहा है। आप निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इजी है कि नहीं है?
लेकिन हाँ फार्मूला याद रहेगा तभी तो इजी है। प्लीज। अब पता चले कि आपको फी में से पेड को माइनस करना है, तो पेड़ में से आप फी को माइनस करने लगे तो माइनस में आने लगेगा भाई। आप चलिए, अब आता है डिस्काउंट। अब क्या आता है डिस्काउंट? आप जैसे ये पूरे स्टूडेंट ऑफिस में गए कि सर हम लोगों का फीस इतना इतना रुपया बकाया है, सर अगर आप कुछ डिस्काउंट करते तो हम एक बार में हम लोग फीस फाइनल जमा कर लेते, तो सर क्या कहेंगे? चलो तुम लोगों के फीस में हम 10% माइनस कर दे रहे हैं, शेष जो अमाउंट बच रहा है उसको जमा करके फाइनल कर लेंगे। तो डिस्काउंट से क्या फायदा होता है? टाइम से पहले कलेक्शन भी हो जाता है और प्लस बच्चों के लिए प्रॉफिट भी हो जाता है। अच्छा अरे जो डिस्काउंट होगा पैसा आप ही के जेब में तो बचेगा, तो इसको निकालने के लिए डिस्काउंट अगर आपको निकालना होगा तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो फार्मूला है इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा? फी पे निकलेगा ना, किस पे निकलेगा? ड्यू पे निकलेगा, फी पे नहीं निकलेगा, क्योंकि पेड कर दिया गया है कुछ पैसा। अगर पेड नहीं किया गया होता तब हम डिस्काउंट किस पे निकालते? फी पे निकालते, लेकिन पेड कर दिया गया है इसलिए जो डिस्काउंट आपका निकलेगा किस पे निकलेगा? ड्यू पे निकलेगा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करिएगा। अब कै परसेंट डिस्काउंट की बात हो रही है? 10%। अरे 10% मिलता है तो 10%, 20% मिलता है तो 20%, अगर 50% मिलता है तो 50%। वैसे 50% मिलता नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइएगा जितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला। मल्टीप्लाई हमेशा स्टार के सिंबल में आता है, ध्यान दीजिएगा। और ये मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा आपका नंबर लॉक वाला ऑप्शन जो दिया है ना, आप यू समझ लीजिए जो तीसरा बटन आपका स्क्रॉल लॉक वाला दिया है ना कीबोर्ड में, ये जो तीसरा सिंबल जो नहीं चल रहा है उसी के जस्ट नीचे स्टार का सिंबल दिया है, वही गुणा का सिंबल है। आप चलिए, कै परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करिएगा, और डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 100 से। आप एंटर करिए तो आप बताइए, स्टूडेंट का फीस है 8500 रुपया, उसका 10% डिस्काउंट अमाउंट निकलेगा तो कै परसेंट होगा? कितना रुपया डिस्काउंट हो रहा है उसका? 850 850। सब में से एक जीरो कम करते जाइए, तो प्यार आप खुद देखिए सब में से बस एक ही जीरो कम होगा, ध्यान से देखिएगा, सब में से एक जीरो कम होता चला आएगा, ध्यान से देखिए। देखिए 3800 है तो 380 है, 2500 है तो 250 है, 6000 है तो 600, 5000 है तो 500, केवल एक एक जीरो कम हुआ है, तो ये 10% आपका डिस्काउंट होता है, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब शेष अमाउंट आपको निकालना है। स्टूडेंट सब पूछेंगे कि सर हमारा फीस 8500 था, इसमें से सर 850 हमारा डिस्काउंट हो गया, तो शेष कै रुपया जमा करना है? तो अब कैसे निकलेगा टोटल अमाउंट? तो ड्यू में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, इक्वल करेंगे, और यहाँ पे अब सिलेक्शन करेंगे किसको? ड्यू को। तो क्या लेके आएगा बताइए, क्या लेके आएगा? जी 8 लेके आएगा, सही है। बस यहाँ पे ड्यू को सिलेक्शन करेंगे और माइनस डिस्काउंट को सिलेक्शन करेंगे तो क्या लेके आएगा? H8 लेके आएगा। बस सिलेक्शन करिए और एंटर कर दीजिए। अब बोलेगा 7650 रुपये आपको टोटल जमा करना है, सारे स्टूडेंट का अलग अलग यहाँ पे फी आ जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम? यही आज की क्लास में आपको सीखना था। बीच में नहीं हाँ हाँ एक आएगा जैसा रहेगा तभी है, बीच में आएगा तो हाँ अलग अलग से करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए सर ऐसे बोल दिए कि नहीं, जिसका कोर्स अगर 1 साल वाला है उसके फी में हम 10% नहीं, उसके फीस में हम 30% देना चाहते हैं, तो उसका तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। बस 10 के जगह पे 30 लिख दीजिएगा, शेष अमाउंट वही रहेगा, लिख लीजिए इसको, या रुक जाइए अभी लिखिएगा। पहले इसमें टेबल ग्रुप में एक और ऑप्शन दिया उसको बता देते हैं। तब जैसे देखिए, अगर आप साइड में कहीं क्लिक करेंगे, अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब भी हो जाएगा। देखिए एक्सेल वाला सेल गायब हो गया, लेकिन ये डेटा आपका जस का तस ऐसे ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा आप एक्सेल पे तैयार करते हैं, लेकिन इसको इंसर्ट करने के लिए मैस वर्ड का ही है पे हेल्प लेते हैं, क्योंकि मैस वर्ड पे ही आपने बनाया है इसे। कंट्रोल एन से एक नया पेज लेते हैं। देखिए एक चीज मैं लास्ट वाला बता दे रहा हूँ, इंसर्ट पे जब आप आएंगे तो टेबल ग्रुप में एक आपका क्विक टेबल्स मिलेगा, इस क्विक टेबल्स के माध्यम से आप कोई कैलेंडर वगैरह बना सकते हैं, जिस प्रकार का आपको फॉर्मेट लेना हो उसमें इतना सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मेट आप सिलेक्शन करिए, ये आ गया ना। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल प्लस वी बटन दबाते जाइए। अब यहाँ पे केवल मई का नहीं ना रिकॉर्ड बनाएंगे,
यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर दीजिए, एक बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाता है, यहाँ से आप एक कैलेंडर बना सकते हैं। यहाँ पे एक कैलेंडर आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप जैसे इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट करना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए, आप यहाँ पे चले आइएगा। सिलेक्शन करने के बाद ऐसे आप सिलेक्शन करिए, जैसे कि इतना ही में आपको सिलेक्शन करके डिफरेंट आपको देना है, आप चले आइए डिजाइन टैब पे, और यहाँ से आप अलग अलग इसकी फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। देखिए, लेकिन कब, तो जब टेबल आप बना लेंगे तब, ऐसे कैलेंडर बना लेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बन जाएगा। तो ऐसे कैलेंडर भी आप बना सकते हैं, इसको आप लैब में जाके इसको चेक करिएगा, बनाइएगा। तो टेबल को बना लीजिए पहले यहाँ से, इसको सेट करना पड़ेगा, हाँ कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, इसको बनाइए टेबल को।